देखिए, मुझे लगता है इससे और दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता कि बहुसंख्यक समाज के भावनाओं को आहत करते हुए देवी देवताओं का अपमान लगातार किया जा रहा है। और वो थर्ड ग्रेड के एक्टर्स और वो थर्ड ग्रेड के डायरेक्टर जिन्हें बॉलीवुड में तो कहीं स्थान मिल नहीं रहा, वो OTT प्लेटफॉर्म का उपयोग कर अपनी पॉपुलैरिटी के लिए या अपने पैसे कमाने के लिए इस तरह से देवी देवताओं का अपमान करते हैं, ये अब देश में नहीं चलेगा। आज मैंने प्रकाश जावड़ेकर जी को पत्र लिखा है कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को इसके लिए भी आचार संहिता या सेंसरशिप की व्यवस्था करनी चाहिए। ऑल दो ये बड़ा मुश्किल काम है, पर तो भी कहीं ना कहीं हमें ये विचार जरूर करना पड़ेगा। उसके साथ ही हमने अमेजॉन जिस OTT प्लेटफॉर्म पर ये रिलीज हो रही है उसको, उसके CEO को भी मैंने मेल किया है। आज मैंने जनता से भी अपील की है कि हम सब अपना विरोध दर्ज करें अमेजॉन पर। यदि अमेजॉन ने इस तरह से इसको रोका नहीं तो हम अमेजॉन का बहिष्कार करेंगे, चाहे वो ई बिजनेस का मामला हो चाहे OTT प्लेटफॉर्म का मामला हो। हमें कहीं ना कहीं ये संदेश देना पड़ेगा कि ये देश के बहुसंख्यक समाज को आहत करने वाली फिल्म है, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम इस अमेजॉन के माध्यम से कुछ भी यदि बिजनेस वो हिंदुस्तान में करती है तो उसका हम विरोध करेंगे, उसका बहिष्कार करेंगे।